अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि सब ठीक और खुश होंगे। आज हम के साथ शेयर करेंगे वेट्स 2007 8 मॉडल है, परल वाइट है, बम्पर टू बम्पर अपनी ओरिजिनल हालात में, बिल्कुल फ्रेश गाड़ी है, बेहतरीन टायर रिम लगा हुआ है, परल वाइट है और 2007 मॉडल है। 1300 cc इसकी इंजन है, इसकी इंटीरियर और बाकी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे और सबसे ज़रूरी बात जो है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे MNST स्कीम के बारे में, जो आजकल बड़ा इशू है और चल रहा है, उस पर थोड़ा सा बात करेंगे। पहले गाड़ी थोड़ा सा शेयर करते हैं आपके साथ, उसके बाद उस पर भी बात करते हैं। ये परल वाइट है, 2007 मॉडल है, बेहतरीन कंडीशन में, बिल्कुल फ्रेश गाड़ी है, 2007 8 मॉडल है और इसको लड़म गोले बोलता है, जो ये बिल्कुल अपने अनटच है। 1300 cc इसकी इंजन है, बेहतरीन कंडीशन में, बम्पर टू बम्पर अपने ओरिजिनल कलर में, अच्छी कंडीशन में ये गाड़ी। तेरह सौ सी सी इसकी इंजन है, पेट्रोल है, बिल्कुल फ्रेश, अच्छी कंडीशन में, साफ सुथरा, मैकेनिक के लिहाज से ईसी जितनी भी चीजें वो बिल्कुल A1 है, बस सिर्फ स्टार्ट और चलाना, बाकी A1 कंडीशन में, टायर रिम बेहतरीन है, परल वाइट है, 2007 8 मॉडल है, 1300 cc इसकी इंजन है, अच्छी कंडीशन में और इसकी डिमांड 15 लाख रुपए इसकी डिमांड है। इसमें डिस्काउंट होगा इंशाल्लाह, जो भी दो शौकीन है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ में ये प्रियस है, 2012 मॉडल है, परल वाइट है, ये भी बम्पर टू बम्पर है, लेदर सीट में, XGS ब्लैक कलर और इसकी 16.5 लाख रुपए डिमांड है। जी है 12.5 लाख रुपए इसकी डिमांड है। ये क्रॉस रोड है, इसका मुझे कंफर्म पता नहीं है, वेट ये स्विफ्ट है, स्विफ्ट सॉरी हाँ ये स्विफ्ट है, कम मॉडल 11 मॉडल है, ब्लैक कलर है, फुल स्टार्ट है, अच्छी कंडीशन में, बेहतरीन और इसकी इसकी भी 12 लाख रुपए डिमांड है। फॉरनर है, 3RZ है, पेट्रोल है, अच्छी कंडीशन में, सनरूफ है और इसकी 25 लाख रुपए डिमांड है। जो भी दो शौकीन है वो कांटेक्ट कर सकते हैं, काफ़ी सारी गाड़ी हमारे पास अवेलेबल है। ये विगो है, आप देख सकते हैं। बाकी आते हैं इम्यूनिटी स्कीम पे, तो ज़्यादातर लोग तो कहते हैं कि इम्यूनिटी स्कीम जो है ये होगा और ज़्यादातर लोग कहते हैं कि नहीं होगा, मगर जो सूबाई वज़ीर है उसने एक प्रेस रिलीज़ किया हुआ है कि सूबाई वज़ीर बराए एक्साइज खलील रहमान की नॉन कस्टम पेड गाड़ियों की और MNST स्कीम के बारे में, नॉन कस्टम पेड गाड़ियों के हवाले से मीडिया पर जो भी बयानात और ख़बरें चल रही है, सूबाई हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की मुकम्मल तरदीद करती है और आवाम से अपील है कि ऐसी बेबुनियाद खबरों और अफवाहों पर यकीन ना करें। ताहम आवाम को मुतला किया जाता है कि नॉन कस्टम पेड गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन और MNST स्कीम की मंजूरी के हवाले से हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से तजावीज़ भिजवा दी गई, जिस पर वफाकी हुकूमत ने अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं दिया। ये भी एक हकीकत है कि इस हवाले से सूबाई हुकूमत ने अपना होमवर्क मुकम्मल किया, मगर अभी तक वफाकी हुकूमत की तरफ से इस हवाले से कोई पेशरफ नहीं हुआ, लिहाजा अवाम है
مگر ابھی تک عوام سے اپیل ہے کہ ان بے بنیاد خبروں کے حوالے سے کسی غلط فہمی میں نہ رہے اور ان بے بنیاد خبروں کو ڈیجیٹل میڈیا پر نہ پھیلائے اور ایک ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیں۔ تو یہ صوبائی حکومت کی طرف سے جو صوبائی وزیر ہے برائے ایکسائز خلیل الرحمان، اس نے یہ تجویز پیش کیا ہے، پریس ریلیز پیش کیا ہے کہ اس طرح کوئی تو ہے نہیں۔ البتہ 50% چانس ہے صوبائی حکومت کرنا چاہتا ہے، مگر یہ کہ وفاقی حکومت کی طرف سے کوئی اس طرح بھی اپڈیٹ نہیں ہے، تو اس طرح کنفرم بات نہیں ہے۔ تو جتنے بھی دوست ہیں وہ کوشش کریں، احتیاط کے ساتھ کام کریں تاکہ کسی کا نقصان نہ ہو۔ اور ہمارے ساتھ جتنی بھی گاڑی کڑی ہے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا، ریڈ بھی شیئر کر دیا۔ جو بھی دوست شوقین ہیں وہ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں، اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔